श्री रेवंत रेड्डी जी। थैंक यू स्पीकर सर, अलाउिंग मी टू स्पीक ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सिविल एविएशन, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। पक्का 200 ओनली हाईवेज? ओके सो इट्स ओके, 3 साल के लिए। सो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सर, स्पीकर सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, नेशनल बिल्डिंग सब्जेक्ट है। इसमें मुझे बोलने के लिए हमारा पार्टी मौका दिया हुआ है। श्रीमती सोनिया जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये जो इंडियन सड़क पे 2% है सर नेशनल हाईवे के। मान एक मिनट, मान माननीय सदस्य प्लीज बोलिए। माननीय सदस्य, स्पीकर सर, ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द नेशन। नेशन बिल्डिंग में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हिंदुस्तान में रोड्स है उसमें 2% नेशनल हाईवे सब्जेक्ट है सर। इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स का प्रॉब्लम है सर, इसमें जो इन्वेस्टमेंट का जरूरी है वो इन्वेस्टमेंट के कोई प्राइवेट प्लेयर्स इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई आ रहा ही नहीं। इसमें जो भारत सरकार ने इसमें इन्वेस्टमेंट लगाने में बहुत फेल हो गया था। आज के तारीख में इसका डेब्ट से 3.3 लाख करोड़। तो 2% हिंदुस्तान में जो रोड्स के नेशनल हाईवे के परसेंटेज है इसमें इनका ड्यू से 3.3 लाख करोड़। मतलब भारत सरकार ने इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। जिस दिन 2014 and 15, प्लीज लेट द हाउस बी ऑर्डर। जब भारत सरकार, मिस्टर सर प्लीज, सर कैन आई कंटिन्यू सर? लेट ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज लेट द हाउस बी इन ऑर्डर प्लीज। यस रविंद्र जी, सर नेशनल हाईवेज इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, द वेरी इम्पॉर्टेंट रोल है। ये रोड्स बनाने में भारत सरकार, मोदी जी सरकार बनने के बाद बहुत फेल हो गए। जिस दिन 2014 एंड 15 यूपीए सरकार समाप्त हुआ था तब इनका लोन बोरोइंग्स था 24,000 करोड़, मगर आज के तारीख में 3,30,000 करोड़ बोरोइंग्स है सर। ये बर्डन इट इज इंक्रीज अप टू 1300%। तो 2% के लिए ये 3,30,000 करोड़ बोरोइंग्स है, इसके ऊपर भारत सरकार ने ध्यान देना है और इनके इन्वेस्टमेंट में भारत सरकार भी इसमें लागू करना है सर। और ये इतना परसेंट इंक्रीज हो गया, जब 2014 and 15 में लोन के कैपेसिटीज था 6%, आज के तारीख में ये इट इज इंक्रीज अप टू 37%। इसीलिए हम लोग भारत सरकार से ये कहना चाहता है कि इसमें सरकार के पैसे कूट डालकर ये रोड्स बनाने में ध्यान देने का जरूरी है सर। एंड ऐसे ही सर, ये लोन से सरकार बने तो ये फाइनली ये नॉन परफॉर्मिंग असेट बनने वाले हैं सर। और उसके अलावा भी सर, ये फाइनेंस मिनिस्टर जी ने जब अनाउंस किया था मार्च 23 तक ये लोग एक्सपैंडेड 25,000 किलोमीटर्स एक्सपेंशन करने में जाने वाले हैं, मगर वो हिसाब से अगर मार्च 23 तक अगर 25,000 किलोमीटर्स अगर नेशनल हाईवे बनाना है तो हर दिन 68 किलोमीटर रोड बनाना है सर। आज के तारीख में जो काम जो डेवलपमेंट चल रहा है 37 किलोमीटर्स पर डे, मतलब ये तरीका से अगर काम चलेगा तो और 7-8 साल लगेगा सर। इसीलिए ये सरकार के टाइम है 24 तक, इसीलिए ये रोड वर्क्स इंप्रूव करने के लिए सरकार ध्यान देने का जरूरी है सर। ऐसे ये जुमला ये देखे तो जो भारत सरकार ने मोदी जी सरकार ने ये किया 2022 तक हर गरीब को घर देने का वादा किया था, ये जुमला हो गए। और दूसरा
ये किया था फार्मर किसान के इनकम डबल करने के लिए, मगर आज के तारीख में वो भी नहीं हुआ है, ये भी जुमला हुआ है। इसीलिए ये तीसरा जुमला नहीं बन सकता है। और हिंदुस्तान में 100 स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए वादा किया था, मगर अभी तक तो मैं पूरा वर्ल्ड मैप में ढूंढ रहा हूँ स्मार्ट सिटीज कहाँ बनाए, हिंदुस्तान में तो बना ही नहीं। तो ये सरकार जो स्मार्ट प्रॉमिसेस करते जा रहा है मगर काम में तो नहीं लग रहा है। ये जो रोड बनाने का भी वैसे ही नहीं बन सकता है, इसीलिए सरकार ये काम आगे ले जाने के लिए, ये कुछ काम करने के लिए हम सरकार को हम एडवाइस दे रहे हैं सर। और उसके अलावा भी पर हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए भारत सरकार मोदी सरकार ने वादा किया था। 8 साल में 16 करोड़ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का था। ये अगर ये लोग हर साल 2 करोड़ नौकरी अगर बेरोजगार लोगों को अगर नौकरी दिए तो हमारे तेलंगाना के लिए कम से कम 50 लाख नौकरी मिलता था, मगर तेलंगाना में कोई एक ही नौकरी मिला है, वो किशन रेड्डी को मंत्री जी मिला, मगर उससे अलावा तेलंगाना में तो कोई नौकरी मिला ही नहीं सर। ये सरकार और इसमें रेलवेज में भी जो रिक्रूटमेंट ये रोड ट्रांसपोर्ट नेशनल हाईवे में जो है सर 40% वैकेंसी है सर। अभी 60% स्ट्रेंथ से ये नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट चलाने के लिए कोशिश कर रहे, इसमें खासकर CGM टू डिप्टी मैनेजर इन फाइनेंस कैडर रेंज में 50% से लेकर 90% वैकेंसी है सर। लैक्स ऑफ क्रोर्स इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, ये इन्वेस्टमेंट चलाने के लिए जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर ये चला रहे सर। इसीलिए हम लोग सरकार को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये CGM टू डिप्टी मैनेजर पोस्ट इमीडिएट ये रिक्रूटमेंट होना ही था सर, क्योंकि इसमें इधर ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आते, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर ये सिस्टम को नहीं चला सकता है, इसीलिए सरकार इस पर भी अटेंशन देने का जरूरी है सर। और सर भारतमाला प्रोजेक्ट में मोदी जी ने ये कहा 34,800 किलोमीटर निर्माण 2022 के अंदर करने के लिए, मगर अभी तक 7,375 किलोमीटर्स ओनली भारतमाला में काम पूरे हो चुके हैं सर। ये तरीका से अगर काम करते गए तो और 27 तक भी ये पूरा नहीं होगा, मगर ये सरकार चुना, ये मोदी जी को जो सरकार चुनने के लिए लोग मौका दिए 24 तक, इसीलिए 21% भारतमाला में काम हुआ है, नियर अबाउट 80% काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसको आगे कैसे लेके जाना, ये स्पीड अप कैसे करना है, सरकार सोचने का भी जरूरी है सर। और उसके अलावा ये है सर, ये नेशनल असेट्स बेचने में सरकार तो बहुत तेजी से चल रहा है सर। अभी तक बुलेट ट्रेन के बारे में और बाकी के चीजों के बारे में हमारे मंत्री महोदय कह रहा था, मगर किसमें भी इतना तेजी से ये सरकार नहीं चल रहा है सर। नेशनल असेट्स सेलिंग में ये सरकार बहुत तेजी से चल रहा है, एयरपोर्ट्स बेच दिए, फ्लाइट्स बेच दिए, सब सारे बेच दिए, हर चीज में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है, मगर नेशनल हाईवे बनाने में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं ला रहा है सर। मैं ये सरकार से ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके दोस्तों के आपके मित्र ने जो पोर्ट्स खरीद रहा है, एयरपोर्ट्स खरीद रहा है, हवाई जहाज खरीद रहा है, आपके मित्रों को क्यों फोन नहीं लगाते नेशनल हाईवे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें लागू कर सकता है, मगर भारत सरकार तो वो कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट लगा के हाईवे बनाना पड़ता। अभी जो बेच रहा है एयरपोर्ट सरकार ने बनाया, हवाई जहाज सरकार ने खरीदा, एयरपोर्ट्स भी सरकार ने खरीदा, जो बनाने के बाद बेचने में सरकार तेजी से चल रहा है सर, इसमें भी ध्यान देने का है सर। ऐसे ये जो 2014 और 2015 UPA सरकार समाप्त हुआ था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इसमें 37% था सर, मगर 2021 में ये इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन टू 7%। मतलब जब UPA सरकार मनमोहन जी प्रधानमंत्री था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सर 37%, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बना 7 साल के बाद पीछे पलट के देखे तो ये इन्वेस्टमेंट 7% को कम हो गए सर। इसमें भी सरकार ध्यान देने का जरूरी है सर। और ये सर मैं एक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। हर परिवार में 2 तरीके के बेटे रहते हैं सर, एक
परिवार के जो संपत्ति उनको हाथ में आएगा उसको आगे बढ़ाने में और उनका रोशन करने में और उसका जो कमाई आगे लेके जाने के लिए कोशिश करते हैं। दूसरे तरीके के है सर, दोस्तों के मतलब अच्छे गाड़ी, अच्छे दोस्तों और खासकर संपत्ति बेचते जाता जाएगा। तो अभी ये दो बेटों का, पहले का मनमोहन जी है, दूसरे जी मोदी जी है, उनके दोस्तों अच्छा के लिए, अच्छा गाड़ी के लिए, अच्छा ड्रेस के लिए ये सब सारे ये बेचने में लग गए सर। ये भी ये सोचना है सर, 7 साल में हिंदुस्तान में वही होते जा रहे हैं सर। और यही सरकार नीति आयोग एंड फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किए, जो सरकार ने अपॉइंट किए सो कमीशन जो एडवाइस दे रहा है वो एडवाइस अपोजिशन माने या ना माने सरकार तो मानना ही पड़ेगा। मगर ये सरकार तो जो फाइनेंस कमीशन नीति आयोग जो रिकमेंडेशन किए वो रिकमेंडेशन को कभी भी कंसिडरेशन में नहीं लिए सर। आई वॉन्टेड टू टेल वन टू थ्री एग्जाम्पल सर। नीति आयोग इन 2018 हैज नोटेड दैट द अमाउंट एलोकेटेड फॉर रोड मेंटेनेंस शुड बी एटलीस्ट 10% ऑफ द मिनिस्ट्रीज एनुअल बजट, वेयर एज इट इज ओनली 1.3% टोटल बजट सर। मतलब नीति आयोग आपने बनाया था वही बजट में 10% मेंटेनेंस के लिए अलोकेट फंड्स करने के लिए सरकार को सुझाव दिए थे, मगर ये सरकार अलॉट किए 1.3% सर। इसके वजह से ये रोड मेंटेनेंस अच्छा तरीका से नहीं हो रहा है सर, वो अच्छा तरीका से नहीं होने के। और दूसरा भी मैं एग्जांपल ये कोट करना चाह रहा हूँ सर, हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूएस गया था उनके खास दोस्त ट्रंप इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, उनको जिताने के लिए, मगर वही यूएस में ये इन्वेस्टमेंट इतना परसेंटेज है सर रोड, ये बजट एलोकेशन में 51% रोड मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स के लिए यूएस एलोकेट कर रहा है सर। वेयर एज इन इंडिया मोदी जी सरकार ने 1.3% एलोकेट किए, तो मोदी जी का खास दोस्त ट्रंप ने उनके यूएस सरकार में 51% बजट एलोकेट किया हुआ है सर रोड एंड मेंटेनेंस के लिए। सरकार के नेग्लिजेंस से ये प्रॉब्लम आ रहा है सर, ये सरकार मेंटेनेंस जो नहीं करने के वजह से एक्सीडेंट्स तेजी से चल रहा है सर। इसमें मैं ये करना चाह रहा हूं सर, ये 2021 में ये सरकार रोड मेंटेनेंस के लिए 81 करोड़ स्पेंड किए सर, नियर अबाउट 39,44,909 करोड़ स्टेट बजट है। इसमें रोड मेंटेनेंस के लिए 2021 में 81 करोड़ यूटिलाइज फंड्स किए सर। मतलब कंप्लीटली यूनियन गवर्नमेंट इज नेग्लेक्टेड द रोड मेंटेनेंस सर। इसके नतीजे मैं एक वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट अभी कोट करना चाह रहा हूं सर। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक एज पर रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, इंडियन रैंक इज फर्स्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट डेथ्स। पूरा दुनिया में रोड एक्सीडेंट्स के डेथ्स हो रहा है, इंडिया इज नंबर वन। तो कम से कम ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पढ़े तो भी सरकार को पता लगेगा। एंड मोर ओवर पूरा दुनिया में 1% व्हीकल्स आर इन इंडिया सर, जितने सारे दुनिया में व्हीकल्स है इंडिया में 1% है, मगर एक्सीडेंट्स इन इंडिया 11%, व्हीकल्स बहुत कम है, एक्सीडेंट्स 11% हो रहा है सर। इसका मतलब अपना रोड मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं हो रहा है, उसके लिए बजट एलोकेट नहीं हो रहा है सरकार। ये एक्सीडेंट्स को देखते हुए एक्सीडेंट कैजुअल डेथ्स को आप सरकार ऐसे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक परिवार में एक कोई एक्सीडेंट में अगर डेथ हो गया ना वो परिवार का पूरा सर्वनाश हो जाएगा सर। जो परिवार को चलाने वाले, परिवार को भरोसा देने वाले अगर एक्सीडेंट में डेथ हो गए तो इट्स ए क्राइम सर। सरकार गवर्नमेंट डेलिबरेटली गवर्नमेंट इज डूइंग दिस क्राइम, कमिटिंग दिस क्राइम सर। ये क्राइम का रोकने के लिए भी सोचना है सर। और दूसरे है सर, ये ईच पर्सन डाइंग विद इन 4 मिनट्स, हर 4 मिनट को एक आदमी हिंदुस्तान में एक्सीडेंट्स में मर रहा है सर। इसका वजह भी भारत सरकार है सर। ये बजट जो इसका मेंटेनेंस के लिए कोई बजट एलोकेट नहीं कर रहे, उनके वजह से ये सब कुछ सारे हो रहे हैं सर। इसीलिए हम लोग ये सरकार से ये पूछना चाहता है, आप
ये रोड नेशनल हाईवे बनाने में आपका इन्वेस्टमेंट का कोई प्रपोजल होना है, क्योंकि आप पूरा बोरोइंग के ऊपर डिपेंड हो रहा है। बैंक से जो लोन उठा रहे वो नॉन परफॉर्म्ड असेट बनने वाले हैं, इसीलिए सरकार कम क्लियरली बजट एलोकेशन, बजट अश्योरेंस एक चीज सरकार यहां पर बोल रहे हैं सर। दूसरा टाइमलाइन टाइम फ्रेम, भारत माला के जो रोड से 34,800 किलोमीटर बनाने के लिए वादा किया था नरेंद्र मोदी जी, आज के तारीख में 7,375 किलोमीटर ओनली बनाया सर, इट इज ओनली 21%, रिमेनिंग 84% पेंडिंग पड़ा हुआ है। इनका टारगेट 2027 बोल रहे सर भारत सरकार। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप लोगों को मैंडेट मिला है 2024 तक, मगर आप लोग सपना अधिकार है 2027 का, बाकी का 3 साल तो आपको मौका ही मिला ही नहीं। तो इसीलिए सरकार जुमला वादा करते करते लोगों को रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा रहा है, इसीलिए इसका भी एक एक डेडलाइन एंड टाइम फ्रेम वर्क होना है सर। और तीसरा, ये रोड्स मेंटेनेंस के लिए बजट एलोकेशन शुड बी इंक्रीज्ड, जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट नेग्लिजेंस ऑल दीज एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग, गवर्नमेंट हैज टू टेक केयर ऑफ दिस एक्सीडेंट थिंग सर, बजट का भी एलोकेशन होना है सर। नाउ प्लीज ट्राई टू कंक्लूड सर। सर मेरा डिमांड इतना ही है सर, ये सरकार बोलने का अलग है करने का अलग है। Okay. ये कहावत है सर, हाथी का दांत खाने का अलग है दिखाने का अलग है। मोदी जी ने ये कह रहे हैं कि हम चाय बेचे, सर आप चाय बेचे प्रधानमंत्री बने अच्छा है, मगर पूरा हिंदुस्तान को चाय बेचने में मत लगो सर। एक परिवार में कोई एक्सीडेंट में डेथ हो गए तो उनके परिवार रेलवे प्लेटफॉर्म में चाय बेचना पड़ता है, पूरा हिंदुस्तान को चाय बेचने में मत लगाओ सर। आप ये पूरा ध्यान देकर ये पूरा सुधारने का जरूरी है सर। नेशनल हाईवे मस्ट बी इंक्रीज्ड, वो हमारे प्रदेश में सर। फाइनली सर, हमारे प्रदेश में हैदराबाद विजयवाड़ा, हैदराबाद इज द तेलंगाना कैपिटल, विजयवाड़ा अमरावती इज आंध्र प्रदेश कैपिटल, वी हैव 4 लेन रोड सर, उसका 6 लेन रोड का सैंक्शन हुआ है सर। वो प्राइवेट प्लेयर वो रोड ही नहीं बना रहे, टाइम एंड अगेन अवर पीपल एंड अवर रिप्रेजेंटेटिव्स आर रिप्रेजेंटिंग टू द कंसर्न मिनिस्टर, बट दे लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे। एंड मोर ओवर हैदराबाद एंड बैंगलोर वी हैव ओनली 4 लेन नेशनल हाईवे सर, दट इज ऑल्सो प्रपोजल पेंडिंग विद द यूनियन गवर्नमेंट, दट हैज टू बी इंक्रीज अप टू 8 लेन सर। एंड मोर ओवर हैदराबाद बीजापुर सर, दट इज ऑल्सो पेंडिंग सर, हैदराबाद टू मन्नेगुड़ा जो रोड है उसको भी आगे लेके जाना है सर। एंड महबूब नगर चिंचोली स्टेट हाईवे कन्वर्टेड इनटू नेशनल हाईवे, बट लास्ट 4 इयर्स दे हैव नेवर टर्न्ड अप फॉर दैट नेशनल हाईवे सर। सो गवर्नमेंट इमीडिएटली महबूब नगर चिंचोली नेशनल हाईवे रोड भी इमीडिएट बनाना है सर। ये सब सारे चीजों के लिए मैं रिप्लाई मांग रहा हूँ सर सरकार से। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू श्री रेवंत रेड्डी जी।